आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की पांचों विधानसभाओं के कल आए परिणाम, भारतीय जनता पार्टी ने जीती पांचों सीटें। विजेताओं ने कहा लाडली बहना ने दिलाई जीत। शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव आया काम। बैतूल विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के नीला डागा को हराया, तकरीबन 15,500 वोटों से जीत की दर्ज। जेएच कॉलेज में मीडिया से की चर्चा, कहा जनता के आशीर्वाद से बनी पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बैतूल रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते किया जहरीले पदार्थ का सेवन, गंभीर हालत में बैतूल के जिला चिकित्सालय में लाकर करवाया गया भर्ती। बैतूल आठवां मिल के पास कार की टक्कर से बाइक सवार एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल, बाइक कंधे में आई है गंभीर चोटें, अस्पताल में किया जा रहा है उपचार। मुलताई विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुखदेव पांसे तकरीबन 15,000 वोटों से हारे, भाजपा प्रत्याशी श्री चंद्रशेखर देशमुख ने जीत की दर्ज। कल मीडिया से इस संबंध में की प्रेस वार्ता। मुलताई के पास नेशनल हाईवे 47 की ग्राम पारेगांव जोड़ पर मिली मानसिक रूप से बीमार अज्ञात युवती। समाज सेवी युवकों ने मुलताई के पुलिस थाने में अज्ञात युवती को पहुंचाया। प्रभातपट्टन ग्राम मासोद में शराब की दुकान पर शराब के पैसों को लेकर हुआ विवाद, विवाद पहुंचा पुलिस के पास, दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस के द्वारा मामला किया गया दर्ज, की जा रही है पूरे मामले की जांच। मुलताई गन्ने के भूसे से भरे गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग, सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रभातपट्टन बिरुल बाजार सहित प्रभातपट्टन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में कल लाडली बहनों और ग्रामीणों ने जमकर मनाया भाजपा की जीत का जश्न, देर रात तक जमकर किया डांस, फोड़े पटाखे। मुलताई ग्राम दुनावा में चुनाव परिणाम के आने के बाद एक घर के सामने की गई आतिशबाजी के चलते लगी आग, गालियां और धमकी देने के बाद पुलिस चौकी में इसको लेकर शिकायत की गई दर्ज। आमला विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कांग्रेस के मनोज मालवे को तकरीबन 12,000 वोटों से किया पराजित। कल मीडिया से की इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा, अपनी जीत का श्रेय दिया जनता को। आमला रेलवे स्टेशन के पहुंच मार्ग पर सड़क में हुए गड्ढे होने के चलते वाहन चालक हो रहे हैं परेशान, कई बार फिसल चुकी है बाइक, रेलवे विभाग है इसको लेकर बेखबर। आमला टांडीढाना गांव में पानी निकासी नहीं होने के चलते सड़क कीचड़ में हुई तब्दील, वाहन चालक और ग्रामीण हो रहे हैं खासे परेशान। बैतूल घोडोंगरी विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी गंगाबाई उइके 4,200 मतों से जीती। कल बैतूल के जेएच कॉलेज में मीडिया से की चर्चा, कहा महिलाओं के लिए करेगी काम।
घोड़ा डोंगरी चोपना थाना क्षेत्र में महिला के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जा रही है जांच। घोड़ा डोंगरी सारणी के सतपुड़ा पावर प्लांट की 10 नंबर की इकाई में निकला रसल वाइपर स्नैक। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सर्प मित्र आदिल खान। आदिल खान ने सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। घोड़ोंगरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गंगा उइके ने जीत दर्ज करने के बाद अपने क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं का माना आभार। बैतूल जेएच कॉलेज में भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने अपनी जीत को लेकर मीडिया से की चर्चा। निकटतम प्रतिद्वंदी धर्म सिंह सिरसाम को हराया। भैंसदेही धामन गांव में पत्ता गोभी के कम दाम और मौसम से खराब हुई पत्ता गोभी की फसल पर किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है रोटावेटर। इस संबंध में किसान रोटावेटर चला रहा था, इसको लेकर वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। आठनेर नगर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी एक व्यक्ति के मकान में निकला जहरीला कोबरा सांप। सांप निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सांप का किया सुरक्षित रेस्क्यू। बाद में सुरक्षित छोड़ा सांप को जंगल में।